Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे. वेलकम टू माई चैनल खाना शाना विद शबनम. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा. तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए बहुत ही आसान रेसिपी, जो है स्ट्रॉबेरी पॉप अप सोडा. बहुत ही डिलीशियस कलरफुल सी सीजन फ्रूट है, आजकल मार्केट में इन है. तो चलिए आइए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी पॉप अप सोडा. इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज 20, उसके बाद हमें मिंट लीफ चाहिए डेकोरेशन के लिए, 3 लेमन का जूस चाहिए, 1/2 कप हमें चीनी चाहिए जो हमें डेकोरेशन के लिए ही चाहिए, और साथ में हमें चाहिए आइस क्यूब. और 2 कप के करीब हम लेंगे ट्रांसपेरेंट सोडा, कोई सा भी आप ले लें किसी भी ब्रांड का. तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज सोडा और साथ में आइस क्यूब डालकर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. शुगर हमारी अच्छे से क्रश हो जानी चाहिए. उसके बाद हम एक ग्लास लेंगे जिसमें हमने सर्व करना है, और एक लेमन का पीस लेके उसे किनारों के ऊपर रब करेंगे. जब अच्छे से रब हो जाएगा तो एक प्लेट में शुगर डाल के उसके ऊपर इसको दबाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये शुगर इसके किनारों पर लग जाएगी. ये हमने अपना ग्लास डेकोरेट कर लिया है बहुत अच्छे से. अब हम इसके अंदर अपना जो सोडा रेडी किया था वो पोर करेंगे. बहुत ही कलरफुल सा रिफ्रेशिंग पॉप अप सोडा हमारा रेडी हो चुका है. अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं. ग्लास को तो हमने पहले ही डेकोरेट कर लिया था, अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सा गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरी से और साथ में मिंट लीफ से. तो लीजिए, हमारा स्ट्रॉबेरी पॉप अप सोडा रेडी हो चुका है. इंजॉय कीजिए. अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.